अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा चैट स्पेशल। यकीनन पूरे मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश एक ही चीज़ की है, वो है कोविड। और कोरोना के हवाले से जो शख्स इस वक्त कहें इन अ सेंस ड्राइविंग सीट में हैं, आज हमने उनको दावत दी कि हमारे साथ ज़रा कुछ बातचीत करें। और ना कि ये ड्राइविंग सीट में कोविड के हवाले से, कुछ लोग कहते हैं इज़ ऑलमोस्ट लाइक द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ और भी बातें इनसे कर लेंगे। असद उमर साहब हमारे साथ हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम। असद उमर साहब नाज़रीन मिनिस्टर फॉर प्लानिंग पाकिस्तान में। तो ये बताइए असद उमर साहब कि आज भी मेरे ख्याल आपकी मीटिंग हुई एनसीओसी की ऑन डेली बेसिस वर्चुअली हो रही है। सवाल यही है कि पहले क्यों नहीं इस तरह के स्टेप्स लिए गए जो अब लिए गए हैं। आपकी ट्वीट्स हम देख रहे हैं, मुतअद्दिद ट्वीट्स आपने यानी बहुत हफ्तों से आप कर रहे हैं कि आप लोग माने एसओपीज, नहीं तो हमें करना पड़ेगा, तो पहले क्यों नहीं किया? पहली बात तो पहले किया था, ये तीसरी सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, ये पहली दफा डिसीजन नहीं है, तीन डिफरेंट लेयर्स के अंदर हम बढ़ाते गए। इसी तरीके से होता है कि जिस वक्त बढ़ रहा होता है तो उस वक्त भी इंक्रीमेंटल स्टेप्स के साथ किया जाता है, और जब वापसी होती है तो वो भी इंक्रीमेंटल स्टेप्स के साथ की जाती है। और उसकी वजह बड़ी सादा सी है कि अगर ये एक यकतरफा चीज़ हो ना कि अगर जो हम इकदाम करेंगे उससे सेहत लोगों की उसके लिए बेहतर होगा, तो आप सारे के सारे एक साथ कर दें और उसके बाद परमानेंट उनको कर दें। क्या मतलब परमानेंट कर दें? कि जो आपने इकदाम करने हैं ये बचाव के लिए, उसका एक ही दफा फैसला करें और उसके बाद कम करें ना, उसको उसी में रहने दें। क्यों करते हैं कम और क्यों ये हम सोच के करते हैं और एक एक स्टेप एक एक कदम लेकर चलते हैं, वो इस वजह से कि उसका दूसरी तरफ असर पड़ता है लोगों की रोजगार के ऊपर। इसलिए जो है वो बहुत सोच समझ के बैलेंस करके करना पड़ता है कि जो खतरा है उसको सामने मद्देनजर रख के, और जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती है या घटती है तो उसी के मुताबिक फिर या तो हम सख्तियां बढ़ाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाते हैं, या उसके अंदर नरमी लेकर आते हैं। तो ये तीसरा अभी जो हमने किया, ये तीसरा स्टेप था जो हमने सख्तियां बढ़ाई। ये बात आपकी ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल मई जून से ये कहना शुरू किया कि बैलेंस इसमें रखना है। लेकिन ये जो यूके से आया थर्ड स्ट्रेन, उसमें आप लोग अभी नहीं, आप लोग कुछ हफ्तों से, और जो आपके हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह वो तो यानी कि नवंबर ऑनवर्ड्स कह रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो आपका ख्याल है कि जब 22-23 पॉजिटिविटी आई है, उस वक्त मसलन कहना था कि शादियों को बंद करें अंदर और बाहर, ये पहले नहीं करना चाहिए था? मैंने आपको बताया, मैंने पहले दो दफ़ा दोहरा चुका हूँ, मैं तीसरी दफ़ा दोहरा देता हूँ, ये तीसरी मुख्तलिफ स्टेप है। स्कूलों के ऊपर बंदिशें बढ़ाई गई, जो आपके रेस्टोरेंट्स के ऊपर थी वो बंदिशें बढ़ाई गई, इसी तरीके से दूसरी चीज़ों के ऊपर एक एक स्टेप करके हम चलते गए हैं। और जहाँ तक शादियों का ताल्लुक है, पाकिस्तान में हज़ारों नहीं शायद लाख लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है, इसलिए ये तो बड़ा आसान है कह देना कोई भी मुल्क में बीमार ना हो, लेकिन बैलेंस करके चलना पड़ता है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो इजाफा हुआ है इसका एक और टेस्ट जो है वो ये ऐसे कर लेते हैं कि ये तो इनफरादी सब फैसले करें ना सारे ममालिक, आपने बांग्लादेश के स्टेटिस्टिक देखें या इंडिया के देखें कि पिछले चंद हफ्तों में क्या हुआ है? जी, इंडिया इज लाइक 15 टाइम्स अ पॉपुलेशन। आई नो 15 टाइम्स है ना, 6 गुना है पॉपुलेशन में, 6 गुना नहीं 10 गुना, नहीं 10 गुना तो जरूर है, शायद ज्यादा हो, नहीं है नसीब, 6.2 गुना है अगर इफ यू वांट टू बी वेरी प्रिसाइज। नहीं, मैं सिर्फ उनकी पॉपुलेशन की नहीं मैं बात कर रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 4 गुना इजाफा हुआ है हमारे केसेस के अंदर पिछले चंद हफ्तों के, कोई 1100-1200 के ऊपर केस आ गए थे, 4,500 चल गए, 500 पे भी आ गए थे ना, मतलब फ्यू वीक्स अगो, बांग्लादेश और इंडिया में दोनों में उसी पीरियड के अंदर 6 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये स्ट्रेन का इफेक्ट है, मौसम का इफेक्ट है, ये जाहिर है, तो साइंस बाद में बताएगी कि क्या डायनेमिक्स होते थे। तो ये पूरे खत्ते अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं कि जिस स्पीड से आप आगे आपने इन्फोर्स किया? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाइड हूँ इस पे, नहीं कि स्पीड फैसलों की क्या थी,
वो जो फैसले थे उसके ऊपर अमल दरामद की क्वालिटी इंतहाई कमजोर रही है, और ये मैंने बार बार बोला। और शेख रशीद साहब ने कुछ ही घंटे पहले आज कहा है कि जी हम तो वही कर रहे हैं जो एनसीओसी कह रही है, क्योंकि हमने उनसे इंटरव्यू में भी पूछा कि जी आप इन्फोर्स नहीं कर रहे। उन्होंने कहा किस तरह इन्फोर्स करें, यहाँ की पब्लिक को आप जानते हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा हम तो वही कर रहे हैं जो एनसीओसी कर रहा है। एंड यू आर राइट, नहीं आई थिंक ये क्रिटिकल सवाल है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे। पंजाब टफ हो गया और हम इस्लामाबाद में कुछ नहीं कर रहे। एक्चुअली पंजाब भी टफ नहीं हुआ था, ये तो अभी हो रहे ना, अभी 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 हो रहे। देखिए हुआ ये, और ये पाकिस्तान नहीं सर, यह सारी दुनिया के थक गए ना लोग। आपने देखा अमेरिका में रिबेलियन हो गया, यूरोप में यूके के अंदर लोगों ने बाकायदा रिबेलियन कर दिया, वो तो ठीक। नॉर्वे या डेनमार्क के अंदर हुआ था, लोगों ने गाड़ियां तोड़ी, शीशे, लोग तंग आ गए। सो एक तो इंतजामी मशीनरी टू बी फेयर टू देम उनके लिए एक मुश्किल काम है। लेकिन शेख साहब पता नहीं किस स्पेसिफिक चीज की बात करें, लेकिन अंदर की शादियां बहुत अरसा पहले बैन हो चुकी हैं, धड़ल्ले से हो रही थी अंदर की शादी, ठीक है जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको कल का बता देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में केपी के एक मिनिस्टर का, मतलब वफाक के मिनिस्टर जिनका केपी से ताल्लुक है, उनका इज्तिमा हुआ है। जमात इस्लामी का पिंडी के अंदर, पंजाब के अंदर हुआ है, और कराची के अंदर जमात, सो तीन मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें और तीन वायलेशन सारे टीवी ने दिखाया पाकिस्तान के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सो फेस्टिवल्स हो रहे हैं। ये तो मैं बिल्कुल मानने को नहीं तैयार। मैंने अभी खत लिखा है, आपके आने से पहले मैंने वो खत लिखा है, चारों वज़राए आला को मैंने खत लिखा है और उनसे ये अर्ज की है कि देखें पहले बहुत अच्छा काम किया हमारी तमाम सूबाई इंतजामी मशीनरियों ने, बड़े अच्छा काम किया कई महीने, और एक वजह यह भी बनी जो हमें कम नुकसान हुआ जो उनकी इंतजामी कार्रवाई थी और मेहनत जो थी, लेकिन अब ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, कमजोर नजर आ रही है। और उसकी एक वजह यह है कि जो पब्लिक गेम, सियासी जो सरगर्मियां हैं, जब हम अब रेस्टोरेंट पे भी एक्शन लेते हैं या बस्केट ड्राइवर पे लेते हैं, वो कहता है जी सियासी लीडर तो सारे जो जलसे कर रहे हैं, आप सारी सख्ती आपको हमारे पर लिखी। इसलिए मैंने खत लिखा है कि बहुत जरूरी है हर तरफ बंद करें, बशमूल जो सियासी लीडरशिप है वो सबको नजर आना चाहिए कि जो भी अहकामात हैं, जो डॉक्टर्स की हिदायत है उसके ऊपर अमल। और इस्लामाबाद में भी हम फेस्टिवल्स करते रहे, ये सब चीजें करते रहे, ये सब गलत किया। 300 की लिमिट थी, आप देख ले, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, सवाल फैसले के ज्यादा फैसले पे अमल दरामद का है, अमल दरामद कमजोर हुआ है। और 300 की लिमिट भी असद उमर साहब आप जानते हैं कि यू नो दिस इज इन अ टाइम लाइक दिस बहुत ज्यादा है, वो तो अच्छा किया जो जीरो पे ले आए हैं, अभी तो यू कांट, चले वी विल नॉट आर्ग्यू, देयर इज साइंस बिहाइंड इट ना। देखिए बाहर जब बाहर खुले आप उसके अंदर हैं तो रिस्क आपका ड्रामेटिकली कम हो जाता है, और अगर हम 300 की इन्फोर्समेंट करते रहते, यहाँ तो 300 से ज्यादा के इंडोर हमने फंक्शन देखे हैं लोगों के, सो जो जो गाइडलाइंस दी हुई हैं अगर उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो अभी भी हम मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अग्री विद यू जी, हाँ बिल्कुल, इन्फोर्समेंट का तो इशू है सबसे बड़ा, जो कि शेख साहब कह रहे हैं कि जी हम तो वही करेंगे जो हमें एनसीओसी कहती है। बहरहाल अभी आपने कहा कि कल या परसों मेरे ख्याल आपने कहा कि पूरा मुल्क मिलके चले और यू नो मीडिया भी चले, सियासी जमातें भी चलें, तो कोविड में सियासी जमातों को साथ लेके चलने का कोई आपका मतलब, आपकी एक पोलिटिकल कमेटी भी बनी हुई है फॉर अदर थिंग्स, रिफॉर्म्स वगैरह, तो कोविड में कोई इरादा है कि सिंस इट्स बिकम अ वेरी सीरियस इशू के कोई स्टेप लिया जाए? जी, जो फोरम पॉलिटिकल फोरम इसके लिए बनाया गया था जहां पॉलिटिकल लीडरशिप सारी मुल्क की जो है वो एक ही जगह बैठकर फैसले कर सके, वो एनसीओसी है। नहीं, एनसीओसी तो ऑपरेशनल करती जो टॉप लीडरशिप, जिसको वजीर आजम चेयर करते हैं और सूबाई वज़राए आला उसके अंदर होते हैं, उनको तकरीबन दर्जन के करीब उनकी मीटिंग्स हुई है। वो कल ही वजीर आजम से बात हुई थी, उन्होंने उसका गो अहेड दे दिया है और अगले एक दो दिन के अंदर अगला एनसीसी का इजलास दोबारा बुलाया जा रहा है। ये प्रॉबेबली एक हफ्ता पहले बुला लिया जाता, लेकिन जाहिर है कोविड हुआ था पीएम को, तो इसलिए पीएम ने मीटिंग तो की थी उस दिन, वो तो बैठे से साथ में। ये तो मुझे पता था कि आपको ये तो नहीं, आपने जाते जाते ये स्ट्रोक लगाना आपने, था नहीं नहीं स्ट्रोक है ये, आपने ही तो फरमाया कि पीएम को था इसलिए हमने मीटिंग नहीं की। मैंने कहा वो तो ऑनलाइन तो कर भी सकते थे, हालांकि इन पर्सन भी उन्होंने किया, बट एनीवे ही इज एक्सेप्टेड के नहीं क्यों किए वैसे मीटिंग, आपने मना नहीं किया, आप तो एनसीओसी कह रहे हैं, सो एवरीबॉडी इज बॉस राइट नाउ। अच्छा ये बताएं कि वैक्सीन के हवाले से 150 मिलियन नवंबर में खबर आई थी, $150 मिलियन एलोकेट किए, तो सब ये सवाल कह रहे हैं कि कर रहे हैं कि हमने पहले खरीदी क्यों नहीं वैक्सीन। आई एम श्योर यू बीन आस्क्ड दिस अ मिलियन टाइम्स। देखें वैक्सीन के अंदर हुआ क्या है, वैक्सीन के अंदर एक
बहुत बड़ा इंटरनेशनल इनिशिएटिव आया, वो इंटरनेशनल इनिशिएटिव गावी का था, जो ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन है, उसके अंदर आलमी इदारे भी शामिल हैं। और एक देखा गया आगे कि जब वैक्सीन डेवलप होके आएंगी, बिकॉज अमीर ममालिक उस वक्त क्या कर रहे थे, जिनके पास अरबों डॉलर पड़े हुए थे, उन्होंने वैक्सीन प्री बुकिंग करानी शुरू कर दी। वैक्सीन अभी ये नहीं पता कि इसकी कामयाब होगी, हो सकता है वैक्सीन ही ना डेवलप होती। तो ये जो बाकी सारे ममालिक है जिनके पास इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज नहीं है, तो ये तो इनको वैक्सीन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो एक कलेक्टिव एफर्ट स्टार्ट किया गया, और उसके बिल्कुल शुरू के ममालिक जिन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया वो पाकिस्तान भी था। जफर मिर्जा को मैं हमेशा इस बात का क्रेडिट देता हूँ, वो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे। अगर आपको याद हो, फरवरी 26 या 27 को गावी के अनाउंसमेंट आई, उन्होंने कहा पाकिस्तान को जून तक 1,70,00,000 वैक्सीन मिल जाएगी। उसमें से उन्होंने उस वक्त इंडिकेट किया कि 40,00,000 का पहला बैच होगा। ये तो पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया, जो हम उनसे रابطے में थे, हमें उन्होंने इंडिकेट किया, इशारा ये कि दिया कि मार्च के पहले हफ्ते में, और इतना स्पेसिफिक था कि शायद 2 मार्च को 40,00,000 वैक्सीन आपके पास जो नहीं आए भी। जो वो वैक्सीन नहीं आई, ऐसे उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि यूरोप और यूके के अंदर, अब तो वो बात खुल गई है, इंटरनेशनल मैगजीन्स के अंदर, अखबारों के अंदर आर्टिकल्स आ रहे, वो नहीं प्रोड्यूस कर सके वैक्सीन जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी। अमेरिका के अंदर वैक्सीन बन रही है, अमेरिका किसी को देने को तैयार नहीं है। तो सारे का सारा बाइंग प्रेशर जो है वो इंडिया और चाइना के ऊपर आ गया। सो इंडिया से सोर्स करना था गावी ने, जो हमें सप्लाई करना था, वो तो हमारी ऑप्शन जो उधर शट हो गई, बिकॉज गावी को नहीं मिल रहा। सो हमारा दारोमदार कंप्लीटली चाइना के ऊपर आ गया। उसके साथ हमारे ऑर्डर्स प्लेस भी हो गए, कल जो है वो पहली जहाज भी आ जाएगा, प्रोक्योर्ड वैक्सीन का जहाज भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको आज भी बताऊं, आज भी सूरत हाल ये है कि मैं पुश कर रहा हूं वैक्सीनेशन बढ़ाने का दोनों तरफ से, कि लोग लगवाने के लिए अपने आप को रजिस्टर करें, और हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो बड़े पैमाने के ऊपर वैक्सीनेशन कर सके। एडल्ट वैक्सीनेशन पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नहीं हुई जितनी आजकल हो रही है। हमने शुरू किया था 4,000 से 5,000 वैक्सीनेशन रोजाना होती थी, पीक हमने हिट किया तकरीबन 45,000 का, औसत जो है वो 30,000-40,000 के दरमियान चल रही है। अभी बहुत मैंने प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, तो उम्मीद है कि जल्द जो है इसी हफ्ते के अंदर आपको 60,000-70,000 वैक्सीन भी लगनी नजर आएंगी। और ये रेट असल ये इशू है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, वैक्सीन अवेलेबिलिटी का इशू नहीं, हमने खरीद ली है, हमारे पास वाफिर मकदार मौजूद है। नहीं मतलब लोग तो हैं लगाने के लिए, आप कह रहे हैं लगवाने वाले नहीं, वो जो सिस्टम जो लोग जो हैं ट्रेन तो हुए हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, आपको याद है जिस दिन एक दिन ज्यादा रश हुआ था एक्सपो सेंटर के अंदर, लाइनें लगी थी 4-4 घंटे लोग। जी मैं भी आज गई थी CDA हॉस्पिटल, आई केम बैक बिकॉज वहाँ 100 लोग इंतजार कर रहे थे। यही हो रहा है ना, वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, सेंटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ही होता है जिस तरीके से हमने लैब जब शुरू की थी PCR टेस्टिंग, अगर आपको याद हो तो चंद 100 टेस्ट होते थे दिन में, वो बढ़ा बढ़ा के वहां पे लेके आए, जहाँ 40-45,000 टेस्ट होते हैं रोजाना। सो ये भी सिस्टम इंशाल्लाह इसी तरीके से बढ़ता चला। तो हम इस खित्ते में सबसे स्लो है हमारी स्पीड लगवाने की, इस खित्ते में डिपेंड करता है, आप खित्ते को खित्ते में, साउथ एशिया की बात मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश श्रीलंका वगैरह हो क्या रहा है बांग्लादेश की क्यों? इंडिया इस खित्ते के अंदर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। वाई दी वे दुनिया के अंदर, मैं ये सुनता हूँ कि दुनिया में सबसे कम को 120 ममालिक हैं कम से कम जिन्होंने कम वैक्सीनेशन की हुई है पाकिस्तान से। दोबारा रिपीट कर दूं, 120 ममालिक नहीं नहीं कम को छोड़े ना, खित्ते की बात कर रही हूं। नहीं नहीं आपने ये मुझे जवाब मेरा देना ना, सवाल मैं तो बताता हूं, आप पूछे जवाब मेरी मर्जी का दे रहे हैं। पूरी दुनिया में ये मीडिया ने बड़ी कहानी बेची कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है, बेच कुछ नहीं रही, मैं तो सवाल आपकी तो नहीं बात की, मैं कह रहा हूँ मीडिया ने जो कहानी बेची है मुझे, जैसे कहा मैं आपको नहीं बताऊंगा सवाल क्या करना है, आप मुझे जवाब मेरा देने। देखिए इस खित्ते के अंदर हो क्या रहा है, दो ममालिक हैं इस खित्ते के अंदर जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, एक है इंडिया। ठीक, because India is producing, right? सिर्फ प्रोड्यूस नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। ठीक ठीक है जी, ठीक। और दुनिया का सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ने अभी तक कितनी अपनी आबादी को टीके लगाए, 3% नहीं पूरे हुए। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग मुल्क में 3% आबादी को भी टीके नहीं लगे। दूसरा है बांग्लादेश, वो रिफ्लेक्शन है बांग्लादेश और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ, आपको पता है भी मोदी कहां बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे, 26 मार्च को बांग्लादेश में क्या कर रहे थे, किस म्यूरल के सामने उन्होंने बैठ के तस्वीर खिंचाई है। सो इंडिया से बांग्लादेश को 10 मिलियन वैक्सीन, 1 करोड़ वैक्सीन मिली है प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर, जब उन्होंने सबसे बड़ा दुनिया का ग्लोबल बायर गावी को मना कर दिया, एक वैक्सीन नहीं देने को तैयार इस वक्त, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को
एक करोड़ वैक्सीन दी है, इसलिए बांग्लादेश हमसे जरा आगे चल रहा है। आप इंशाल्लाह देखते रहिएगा, आप एंड में जो आप यही कहेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान जो है बेहतर ममालिक में से साबित हुआ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में असद उमर साहब कह रहे थे कि वैक्सीन ना होने की वजह से हम नहीं रुके हुए, क्यों, इज दैट ट्रू? मैंने अभी तो आपको एक्सप्लेन किया इतना, देखें मेरे पास जो वैक्सीन है, आप पूछे ना जो एनसीओसी मीटिंग अटेंड करते हैं उनसे पूछे कि पिछले 4-5 दिन से असद उमर ने प्रेशर क्या डाला हुआ है। वी आर, जो हमारी एबिलिटी है रैंप अप करने की और वैक्सीनेट करने की, उसको बढ़ाने की जरूरत है। वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अभी इस वक्त मेरे पास लाखों वैक्सीन आज पड़ी हुई है, मेरे पास 10 लाख वैक्सीन आ रही है, कल परसों आ रही है, सो मेरे पास वैक्सीन शॉर्टेज तो नहीं है। आपके पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह, यू गॉट देम ऑल ओवर द कंट्री? ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स तो नहीं हो सकते ना, देखें एक तो ये रेफ्रिजरेटेड है, टेम्परेचर पे रखना है, स्पेशल ट्रेन लोग हैं, सो कुछ 600 से ज्यादा हमने वैक्सीनेशन सेंटर पूरे मुल्क के अंदर एक्टिवेट करने, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि एक तो है ना कि जो पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे, वो दे विलिंग टू पे, बिकॉज अभी तो एज ग्रुप जाहिर है यू गोइंग स्टेप बाय स्टेप। जो स्पुटनिक शायद इंपोर्ट करके बैठे हुए 50,000 और वहाँ से MSG या पता नहीं क्या कंपनी का नाम है, कहते हैं जी पहले एक पॉलिसी बनाई कि आप किसी भी उस पे रेट पे कर दें, फिर चेंज किया और जो चेंज किए पॉलिसी यानी कि 8,000 या 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते, सिंध हाई कोर्ट ने उसको स्टे ऑर्डर दिया है। तो ये प्लानिंग में हमारी कोई गड़बड़ थी कि पहले एक प्राइस फिर दूसरी और वो नहीं, ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री वाले बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों चेंज किया अपना आइडिया। इसका ना एनसीओसी से कोई ताल्लुक था ना हम डायरेक्टली, बट एनसीओसी ने पिकअप तो करना चाहिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं, बट 50,000 वैक्सीन इसका कोई ताल्लुक नहीं ना एनसीओसी से, दिस इज अ हेल्थ मिनिस्ट्री की समरी व्हिच वाज नेवर डिस्कस्ड इन दैट, सो टू बी फेयर उनको मौका होना चाहिए एक्सप्लेन करने का कि उन्होंने क्यों किया। नहीं, बट आई एम आस्किंग यू बिकॉज राइट नाउ इन अ सेंस यू आर द czar डीलिंग विद द कोविड इशू। ऐसा है नहीं, आपने तो मुझे बता दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सो ये एक नहीं, मेरा मतलब आपकी क्लोजनेस विद द पीएम इसलिए है ना, ये तो नहीं कि आप असल भाई मैं बोल रहा हूं ना कि एनसीओसी के पास कोई इसका रोल नहीं था इसके अंदर कि जो प्राइसिंग सेट हो रही है प्राइवेट सेक्टर की वो क्या है। बट श्योरली यू हैव अ व्यू एज अ पर्सन। ऑफ कोर्स आई डू, ऑफ कोर्स आई डू, व्हाट मैं वही बोल रहा हूँ ना, बेहतर ये है कि इसका जवाब, देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो काबीना, क्योंकि मैं काबीना का तो मेंबर हूँ ना, ठीक है, जहाँ फैसला हो रहा था वहां पे मैं मौजूद था, तो मैं उसमें यकीन रखता हूँ कि वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। जब वो एक दफा फैसला हो गया तो मैं बाहर निकल के मैं ही नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। I'm not interested in any gossip, मैं तो ये कह रही हूँ कि आगे भी ये इशू आएगा, मैं गॉसिप की बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसका डोमेन है मेरे ख्याल में बेहतर वही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करे तो बेहतर है, बजाय कि हर वजीर अपनी अपनी मारना शुरू हो जाए कि मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। ये बात बनती नहीं, लेकिन अब आप जवाब दे रहे हो। आई टेल यू व्हाई बिकॉज देखिए कोविड का मसला अल्टीमेटली एक कलेक्टिव मसला है, और मतलब आप प्लानिंग कमीशन को भी हेड करते हैं, आप कोविड को भी हेड करते हैं, और अगर कोई इंपोर्ट करने की बात है तो प्राइसिंग क्या होनी चाहिए उसमें एब्सोल्युटली एनसीओसी का इनपुट होना चाहिए। कोई रोल नहीं है उसका एनसीओसी के साथ। मैं कैबिनेट मेंबर के तौर पे, काबीना के मेंबर के तौर पे, जब वो फैसला आया काबीना में, मैं उसमें शरीक था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी पोजीशन अब ये नहीं हो सकती कि वहां पे फैसला कुछ और हुआ और मैं आगे टीवी के सामने बोलूं जी मैंने तो कहा था ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, मैं आपसे ये भी नहीं पूछ, मैं कह रही हूँ कि शुड दैट बी फिक्स्ड, इस पे कोई थिंकिंग है कि इसको एक उसके ऊपर दो राय जी दो राय, इसलिए पहले फैसला कुछ और हुआ बाद में कुछ फैसला कुछ और हुआ, मैं फिर तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री का डोमेन है तो पॉलिसी स्टेटमेंट इस पे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आनी चाहिए। इस पे दो राय मौजूद हैं कि क्या फ्री कर देना चाहिए, उसकी फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, उसके फेवर में ये आर्ग्यूमेंट्स हैं भाई कि हुकूमत जो है वो तो मुफ्त में दे रही है ना, दे ही रही है, जो आप अगर अमीर आदमी हैं आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जो मार्केट आपसे पैसा मांग रही है दे दें, ये आर्ग्यूमेंट है उसके बिल्कुल सही बात। उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट ये है कि देखें आखिरकार मुल्क के अंदर बिक रहा है तो मदर पजर आजाद तो नहीं हो सकता ना कि मैं जितना मर्जी पैसा लेना शुरू कर दूं, तो हुकूमत का कोई तो रोल होना चाहिए, कोई तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कितने की बिक्री। सो ये दो राय हैं और इस दो राय में दोनों तरफ जो लोग हैं वो बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन लेके बैठे हुए। मैं अभी आपको बताऊं ये जो स्पटनिक वाला भी जो था इस पे आपने जो मीडिया में तनकीद देखी, सोशल मीडिया में तनकीद देखी, वो दोनों तरफ से थी बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे थे क्या नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने तो कहा प्राइवेट सेक्टर की इंपोर्ट अलाउ ही नहीं होनी चाहिए,
आप तो कह रहे हैं कि प्राइस फ्री कर दें, वो कहते हैं इंपोर्ट ही नहीं अलाउड। मैं नहीं कह रही, मतलब लोग, मतलब ये एक आर्गुमेंट है, ये एक आर्गुमेंट है। दूसरी तरफ जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि मैं पैसा देने को तैयार हूं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं। सो दोनों तरफ आर्गुमेंट है, एज ए सेट। इस पे कोई डिसीजन आएगा जल्दी जी? अभी तो डिसीजन हुआ है ना, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है कि उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जो ड्रैप के कानून के अंदर जो शिक है उसके मुताबिक इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त तो भी स्टिल विद दैट, और जो सिंध हाई कोर्ट का, वो तो देखिए अब कोर्ट का क्या फायदा फैसला होता है, वो तो कोर्ट के फैसले, स्टे ऑर्डर कोई दे दिया इस पे जी अपेरेंटली। अच्छा जी, अच्छा तो ये बताएं कि ये तो कोविड के मामलात हैं और उस पर जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत लगी हुई है और आपने सवालों के जवाब दिए। प्राइम मिनिस्टर इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, लेकिन लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कोई नई अपनी एनर्जी के साथ अब चल रहे हैं फिर से माशाल्लाह, तो वो काबीना में तब्दीली आ रही है फिर नए मिनिस्टर्स वगैरह, तो व्हेन शुड वी एक्सपेक्ट दैट अनाउंसमेंट इसकी? अल्लाह जानता है जी, जो अल्लाह जानता है और या इमरान खान जानते हैं और कुछ आप भी जानते हैं। देखिए कैबिनेट अपॉइंटमेंट सोल प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का, बेशक हाँ, ये कोई पॉलिसी इशू नहीं, डिबेटिंग के क्यों मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिसी इशू नहीं है जिसमें सब लोग साथ बैठ के कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करें। सो मैं सच्ची बात है, मैं आपको सिर्फ डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, सच्ची बात है कि रियली आई एम नॉट श्योर कि कब वो फैसला करेंगे, वाकई में चेंज आने भी वाली है या ये ऐसे ही इतनी लंगर का फैल गई है। अच्छा अच्छा, आपका ख्याल है कि हो भी सकते कि ना, क्योंकि ये कई दफा आता है ना, ओ जी बड़ी तब्दीलियां आने वाली, तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि जो उनको नदीम बाबर साहब को हटायर आपने अनाउंस किया, इसको आपने ये कहा कि अभी कोई ये नहीं कि उन पे कोई इल्जाम तराशी हो रही है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और फिर फोरेंसिक की भी बात हुई, उसको मेरे ख्याल 90 दिन लगेंगे या कुछ ऐसे। अच्छा 90 दिन लगेंगे तो आप फिर क्या कहेंगे कि 90 दिन तक नदीम बाबर साहब को ECL पे होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस? ECL पे तो आप इसलिए डालेंगे, देखें उनको क्यों स्टेप डाउन करने कहा गया। अगर स्टेप डाउन करने के लिए इसलिए कहा गया होता कि उनके ऊपर रिपोर्ट के अंदर कोई इल्ज़ाम होता तो फिर तो ये बनती थी बात कि जी आप अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो तो नहीं अंडर इन्वेस्टिगेशन ना, लेकिन जो नीचे उनके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो निज़ाम था या प्राइवेट सेक्टर के जो लोग ऑपरेट करते थे, वहाँ पे नज़र आता है रिपोर्ट के मुताबिक कि जुर्म जो है वो किया गया, तो इसलिए कि कहीं ये ना लगे कि क्योंकि वो उस वक्त बैठे थे तो और उनके शेयर्स वेयर्स भी रहे कंपनीज में तो इसलिए किया गया, तो ECL पे तो उनको डालेंगे अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम होगा। अच्छा एज ऑफ नाउ आप कह रहे हैं उनको ECL पे डालने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो पेट्रोलियम ही पे अगर रहे फॉर अ मिनट, तो अब कौन उनकी जगह किसी को लगाएंगे या फिल वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को पता होगा? प्लानिंग कमीशन यू सोली हैव व्यू ऑन दिस, कमाल है, मतलब आप तो अल्टीमेट ब्यूरोक्रेट से भी अल्टीमेट ब्यूरोक्रेट है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कौन लगेगा मुझे नहीं पता कौन लगेगा, लगना कोई लगेगा, मतलब कोई अली जैद साहब की बात हो रही है, फैसल वाडर साहब की बात हो रही है, आई हैव नो आइडिया, मेरे को 12 नाम मैं सुबह से सुन चुका हूँ। अच्छा 12 नाम कोई 13वां भी आपके पास? आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ आई हैव नो आइडिया कौन लगेगा। अच्छा चलें जी, यू आर प्लेइंग इट एज सेफ एज अ ब्यूरोक्रेट, सो आई विल जस्ट लेट इट बी। अच्छा ये बताएं कि IPPs पर भी आप लोगों ने मूव किया था और बड़ी अनाउंसमेंट वगैरह थी, Have things moved on that front के वो रुक गया लगता है? नहीं, वो उसके अंदर जो मेन काम था जो सिग्नेचर हुए उसके बाद नेप्रा ने डिटर्मिनेशन करनी है टैरिफ की, क्योंकि टैरिफ में कमी आएगी उसकी वजह से जो फैसला हुआ है, तो वो टैरिफ की कमी हुकूमत नहीं कर सकती, वो नेप्रा का तरीकेकार है, वो पिटीशन जाती है, पब्लिक हियरिंग होती है, तो वो प्रोसेस चल रहा है, जहां तक मुझे पता है शायद वो मुकम्मल हो गया या मुकम्मल होने के करीब है। अच्छा बट एज ऑफ नाउ अभी तो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ नेप्रा आप कह रहे हैं? नहीं इम्प्लीमेंटेशन, ये तो इम्प्लीमेंटेशन ही है ना, कि गवर्नमेंट ने रिवाइज टैरिफ पिटीशन डाली जो रिफ्लेक्ट करता था उन वाहिदों को जो हुए थे, उसका अब एक हेयरिंग प्रोसेस है नेप्रा के अंदर, वो होने के बाद वो जब रिवाइज जो टैरिफ है वो जब नोटिफाई हो जाएगा तो उस नोटिफाइड टैरिफ के बाद से फिर सेविंग्स आपकी शुरू होगी। अच्छा ये बताइए कि क्लियरली जो एनर्जी पॉलिसी है वो क्रिटिकल है, रीढ़ की हड्डी है इन अ सेंस के ये सब चीज़ों को आगे ले जा सकती है और डबो भी सकती है खुदा न खास्ता, तो एनर्जी उस पर फोकस आपको लगता है काफ़ी सम हाउ लगता है कि जैसे एक भंवर में फंसे हुए हैं, वेदर प्राइसिंग का इशू है चाहे ऑल्टरनेट एनर्जी का इशू है, डू यू फील सैटिस्फाइड एज अ प्लानिंग कमीशन पर्सन के पाकिस्तान इज डूइंग इट इनफ? मेरे ख्याल में पिछले 6 से 8 माह के अंदर बहुत प्रोग्रेस हुई है, पावर सेक्टर की मैं बात करूँ जी, बड़े बड़े फैसले हुए हैं, बहुत बड़े
पॉलिसी डिसीजन हुए, ये आईपीपी की रीनिगोशिएशन पे बहुत ज़्यादा बात हुई है, तो ऐसे लगता है कि सिर्फ ये हुआ है। उसके अलावा ऐसी सिंपल थिंग्स लाइक एलएनजी को जो मस्ट रन डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि हमने जाके महंगी वहां से कतर से गैस खरीद ली, उसके बाद यूजर कोई नहीं था, तो उन्होंने कहा चाहे ये महंगी हो या सस्ती हो, मेरिट ऑर्डर होता है, सबसे सस्ती जो है वो डिस्पैच होनी चाहिए, वो प्लांट चलना चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं, एलएनजी जो आएगी ना ये सस्ती है महंगी है ये चलाना ही चलाना है आपने। सिर्फ दो साल का फर्क उसमें 140 अरब रुपए का, वो हमने मस्ट रन खत्म किया। नई रिन्यूएबल पॉलिसी आई, आपने देखा है कि नए जो रिन्यूएबल के जो प्रोजेक्ट्स हैं सोलर और विंड के, वो 3.6 सेंट्स 3.7 सेंट्स पे हुए, कहाँ 12 सेंट 14 सेंट 15 सेंट के ऊपर होते थे पिछली हुकूमत के वक्त में, तो एक चौथाई ऑलमोस्ट रह गई वो कीमत। और जो लो एफिशिएंसी प्लांट्स थे उनको डीनोटिफाई करके बंद किया जा रहा है, और इस तरीके के बहुत सारे बड़े बड़े फैसले जो हैं जो लिए गए हैं जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, उनमें से कई इम्प्लीमेंट हो चुके हैं कई अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। स्टील मिल पीआईए रिफॉर्म ऑल दोस थिंग्स, उस पे जो लास्ट अभी मीटिंग हुई थी उस के अंदर स्टील मिल का भी हमने उनसे पूछा था कि ट्रांजैक्शन कहाँ तक पहुँची, तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो काफ़ी उनको ये इस बात की उम्मीद थी कि अगले चंद माह के अंदर जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन वो आ गई हैं और वो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस वाला शुरू हो रहा है, तो उनके ख्याल में अगले चंद माह के अंदर इसकी एक्चुअल बिडिंग हो सकती है ट्रांजैक्शन स्टील मिल की। स्टील मिल की पीआईए का एक रिफॉर्म पैकेज का कुछ इनिशियल तो इम्प्लीमेंटेशन की गई थी, उसके अलावा जो लार्जर रिफॉर्म पैकेज है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका मुझे तफसील इस वक्त नहीं पता है, बट आई नो कि डॉक्टर इशरत उसके ऊपर काम कर रहे थे पीआईए वालों के साथ मिलकर। सिविल एविएशन के हवाले से भी एक काम भी दे गोइंग टू बी सेंडिंग समबडी इन जून जुलाई फॉर एन ऑडिट के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी आपकी वो उसकी यू नो उसकी एबिलिटी टू बेसिकली इंश्योर सेफ्टी वगैरह कितनी है, तो कोई आपको लग रहा है एज अ प्लानिंग पर्सन के वहाँ कोई इस तरह का रिफॉर्म है कि उसकी ऑडिट की कैपेसिटी वगैरह बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो कह दें कि जी और डाउनग्रेड कर दें हम। अच्छा, एक तो आप ये प्लानिंग की जो डेफिनेशन उसको आपने रबड़ की तरह नहीं, आप बैठते तो है ना काबीना में, आई एक्सपेक्ट के अ पर्सन लाइक यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। जो सबसे बड़ी रिफॉर्म की जा रही है सिविल एविएशन के अंदर, सिविल एविएशन जो है इस वक्त रेगुलेटर भी है जी बिल्कुल, और साथ वो एयरपोर्ट ऑपरेटर भी है। सो उसके कानून के अंदर तरमीम करके उनको बाइफर्केट किया जा रहा है, रेगुलेटर प्योर रेगुलेटर हो जाएगा। और ये जो आपने सवाल पूछा, हमें पता है कि माजी के अंदर वीकनेस रही है, ये जो भी फेक लाइसेंसेस वाला सारा मामला हुआ उसके अंदर तो खुल के सामने आई ना इतनी बड़ी एग्जाम्पल कि लिटरली डिग्रियां बिक रही थी, फेक लाइसेंसेज इशू हो रहे थे, तो वो रेगुलेटर जो है वो फिर अपनी काम के ऊपर फोकस्ड होगा, एंड जो एयरपोर्ट ऑपरेशन वाला है वो ज़्यादा कमर्शियल ऑपरेशन है, उसमें डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग चाहिए, वो एक डिफरेंट काम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी रिफॉर्म सिविल एविएशन में तो ये हो रही है। तो यू आर सेटिस्फाइड के सेफ्टी के हवाले से जो रिफॉर्म हो रही है, हमारी एक आओ आएगी थोड़ी तो सी हमें फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमारे ख्याल में ये काम जरा जल्दी मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन डायरेक्शन ठीक है लेकिन उसकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। डायरेक्शन ठीक है नाजीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर असद उमर साहब से बात करेंगे कुछ ऐसी जिसका आप को भी कंसर्न है और सब पाकिस्तानियों को कंसर्न है। स्टे विद अस, वेलकम बैक नाजीन, हमारे साथ मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं असद उमर साहब जी, सो यू शुड नो एवरीथिंग, इतना बड़ा आपका लकब है। अच्छा ये बताइए कि आईएमएफ आपका जो एक खास दोस्त है और जिस एक खास हिस्ट्री है, आईएमएफ पर जाके हम जहाँ फिर खड़े हुए हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम के रिवाइवल के साथ जो कमर तोड़ महंगाई है, और ये ना कहिए कि बाकी सब करप्ट गवर्नमेंट से, वो तो होगी ना बात, अब ये बताएं डज इट वरी यू, क्योंकि बिजली का भी कहा जा रहा है कीमत बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, तो बिटवीन नेपरा वगैरह एंड द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स द प्लानिंग कमीशन, आप इस तरह किस तरीके से, नहीं एक रोल तो आपका है ना, अच्छा फिर आपका रोल क्या है, देखे ना आपका रोल है कि हाउ विल दिस बी हैंडल्ड। अच्छा ये जो फैसले सारे ये ईसीसी के अंदर होते हैं, प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है जो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, तो बड़ा देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस से चलती है सरकार जो है वो लोगों की पर्सनैलिटीज पे नहीं चलती। लेकिन जो आपके सवाल का जो है सवाल जो है, इमरान खान को सबसे ज्यादा चीज जिसके बारे में वो सोचते हैं और जो उनको परेशान करिए महंगाई, तो जवाब तो ये सादा जवाब ये है कि आप बाकी तो हमें सबको छोड़ देना, वजीर आजम जो हैं उनके लिए ये नंबर वन इशू है। तो फिर लेकिन वो
इशू तो ज़रूर है लेकिन उसका कुछ हो नहीं पा रहा। रमज़ान आ रही है, चीनी थी 53, अब चली गई 100, अब 110। आज सुबह से सब जगह खबरें आ रही थी कि जी चीनी गायब हो गई यूटिलिटी स्टोर से। इससे बिल्कुल मैं समझती हूँ, प्राइम मिनिस्टर 100 मरतबा कह चुके हैं इट कंसर्न्स हिम, एहसास प्रोग्राम शोज दैट इट कंसर्न्स हिम, लेकिन आप ये अग्री करेंगे कि ये जो महंगाई है ये रुक नहीं पा रही। सही है, ऐसा ही है कि महंगाई का लेवल जो है वो क्लियरली उस सतह के ऊपर है जो ना वो ना प्राइम मिनिस्टर चाहते, ना हम चाहते, ना पाकिस्तान की आवाम चाहते, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके ऊपर कई मेजर्स किए भी गए, महंगाई थोड़ी नीचे आई भी थी, महंगाई की सतह नीचे आई भी थी, वो दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई है। एक से ज़्यादा वजूहत हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। मुझे पता है कि बड़े एंकर्स का, कई एंकर्स का बहुत दिल दुखता है जब हमें याद दिलाना पड़ता है कि जब देखे आप मीशत की तबाही आप करते हैं ना, और रुपए की कदर जो है 60% गिरती है 2 साल में, तो उससे महंगाई आती है, लेकिन दैट्स वाई द रीज़न नहीं है। आप इंटरनेशनल मीडिया भी फॉलो करती हैं, बाकी दुनिया में आपको पता है इस वक्त ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन हो रही है, और इनफैक्ट कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन हो रही है। तेल की कीमत बढ़ी है, गंदम की कीमत बढ़ी है, इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ी है, ये वो भी एक इसकी वजह बन रही है। एक चीज़ जो अच्छी हो रही है, वो अच्छी चीज़ ये हो रही है कि पिछले अगस्त में 168 रुपए का डॉलर था, वो आज 156 रुपए का था, तो वो उसका आहिस्ता, और ये जब गिरता है रुपया तो उसका भी नुकसान जो है वो कुछ माह के बाद होता है, और जब अप्रिशिएट होता है तो वो भी थोड़े से लैग के बाद होता है, तो वो एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक टीम को यही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, नंबर वन ऑब्जेक्टिव ये दिया हुआ है कि आपने महंगाई को खास तौर पे रमज़ान के अंदर, अच्छा रमज़ान के अंदर एक तो उमूमी तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है, जो स्पेसिफिक एक्शंस हैं, एक बहुत बड़ा कई अरबों रुपए का पैकेज दिया गया है यूटिलिटी स्टोर का ऑपरेशन को, ताकि 5 जो मेन चीज़ें हैं, 13 चीज़ें हैं लेकिन 5 चीज़ें जो मेन हैं उसको कम कीमत पे पहुंचाया जा सके, और सस्ते बाजार का इनेकाद बड़े पैमाने के ऊपर करने का फैसला हुआ। जी फिलहाल तो कुछ चीज़ें गायब ही हो गई यूटिलिटी स्टोर से, तो ये बताइए कि अब हम व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर, एक बहुत बड़ा सवाल है वो है सीपेक का फ्यूचर, और आपको मालूम है कि बहुत सी बातें हुई हैं सीपेक के हवाले से कि चाइनीज़ का कॉन्फिडेंस का इरोजन हुआ है, क्या हुआ है। अब एक नई बात आई कि जी आप स्ट्रेटेजिक आप अपनी कोई रिविजन कर रहे हैं, कोई रीअलाइनमेंट तो बड़ा बहुत बड़ा लफ्ज़ होगा, लेकिन एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज है सीपेक के हवाले से, हाउ क्रिटिकल इज़ इट टू पाकिस्तान? सीपेक जो है, सीपेक नहीं बल्कि पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त एंकर है पाकिस्तान की इंटरनेशनल दुनिया के साथ। वो सिर्फ मईशत के अंदर नहीं है, वो हर एवेन्यू में ग्लोबली चाइना हमारे साथ खड़ा होता है, और पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है, तो दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए एक बिल्कुल पिलर का रोल प्ले करते हैं, तो वो तो वाइटल रिलेशनशिप है हमारे लिए, उसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक सीपेक का ताल्लुक है, हमने आप पहले भी एक्सप्लेन किया था, सीपेक का पहला फेज जो था उसमें तमानाई के प्रोजेक्ट थे और सड़कें थी। वेस्टर्न अलाइनमेंट के ऊपर इस हकूमत के अंदर सीपेक के नीचे जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है वो कहीं ज़्यादा काम हुआ है बनिस्बत जो पिछली हकूमत के अंदर हुआ था। इसी तरीके से सीपेक का सबसे बड़ा मंसूबा ML1 हमारी हकूमत जो है वो ऑलमोस्ट अब JCC में अगली इंशाल्लाह ताला फाइनल हो जाएगा और वो प्रोजेक्ट आगे चलना शुरू हो जाएगा, सबसे बड़ा सीपेक का मंसूबा है। आपको पता है चाइनीज जो है वो कोविड को कितना स्ट्रिक्टली डील करते हैं, 2021 में ही सपोज टू बी कमिंग, बट जो इस वक्त हमारे हालात है कोविड के, आई डोंट थिंक वो ट्रिप कोई बहुत जल्द होगा, शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में शायद हो। लेकिन ML1 का मैंने जिक्र किया, आपके हाइडल प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े आज़ाद पतन एक्सेट्रा कोहाला, ये सब पिछले साल जो है सीपेक के अंडर अप्रूव हुए हैं। बट सबसे अहम चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो कुछ भी नहीं हुआ था ना पिछली हुकूमत के अंदर, अब सीपेक के फैसलाबाद का फेज अब शुरू है, जो फैसलाबाद के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया है। रशा कई कल परसों भी मेरे पास वो कंपनी वाले आए हुए थे, सेंचुरी स्टील वाले, इस साल के एंड में उनकी
पहली प्रोडक्शन ऑन स्ट्रीम आ जाएगी रचा गई के अंदर चाइनीज कंपनी। सो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो रही है सीपेक के तहत जो पहले नहीं हुई थी। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर अब हमारा उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। अगली जो जेसीसी के हमारा है उसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। तो सीपेक एक नए फेज में चला गया है, वो ब्रॉडन हो गया है, बड़े बड़े चंद प्रोजेक्ट से कई छोटे प्रोजेक्ट्स लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो आई वुड से कि वो फेज था इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये वाकई में इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला फेज। अच्छा ये बताइए कि हमने सुना है दो तीन मरतबा आर्मी चीफ ने भी कहा और भी जगह हमने सुना कि जी इंडिया के साथ इम्प्रूव होनी चाहिए रिलेशंस, यानी के हों तो फिर जो राहदारी इंडिया को मिले पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया में इंटू अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड, तो उसको क्या ये हुकूमत बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है और इस सिचुएशन को इस इशू को कश्मीर के हवाले से वेयर डज इट लोकेट? देखिए बहुत सिंपल है, पाकिस्तान की ये बिल्कुल वाज़े फॉरेन पॉलिसी रही है कि हम इस खित्ते के अंदर नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं और हमारी कोई मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो वॉर मॉन्गरिंग करे, जो ये कहे कि इस खित्ते के अंदर अमन नहीं होना चाहिए। राइट, जितनी भी हुकूमतें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं सबने ये किया है। प्रॉब्लम हमें इस वक्त इंडिया की साइड से उसके ऊपर हो रहा है। सो हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन वो सेटलमेंट हो नहीं सकती जब तक कश्मीर का इशू कश्मीर के अवाम की एक्सेप्टेंस के बगैर मुकम्मल ना हो। You're clear on that. इस और इस गवर्नमेंट की पॉलिसी मैं ये बताऊं, ये अगर वो तो बहुत बड़ी सुपर पावर बन गई ना अपने दिमाग में, एटलीस्ट इंडिया बहुत बड़ी एक सुपर पावर है, ठीक है, वो लाखों फौज उन्होंने बिठा ली 20 साल तक, क्या सेटल कर सके? ये मुमकिन ही नहीं है। तो जाहिर है हमारे लिए तो ये एक जज्बाती इशू भी है, हमारी एक तारीख का हिस्सा है, स्ट्रेटेजिक इशू है हमारे लिए, हमारा पानी कश्मीर से आता है, बिल्कुल हमारे लिए तो सब कुछ है ये, लेकिन सिर्फ प्रैग्मेटिकली अगर आप देख लें तो जब तक कश्मीर का इशू हैंडल नहीं होता आगे आप बढ़ नहीं सकते। यू आर क्लियर ऑन दैट, दिस गवर्नमेंट इज क्लियर ऑन दैट। आखिरी सवाल ये बताइए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ऑपोजिशन है उनके साथ रिफॉर्म की बात हो रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और ये वो, तो एंड यू आर पार्ट ऑफ द कमेटी जिसने ये इनिशिएट करना है, मुझे मालूम है आप शायद ये कहें जी स्पीकर साहब इनिशिएट करेंगे, लेकिन आप लोगों के पास क्या इस वक्त इनिशिएटिव क्या लेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि एक तरफ तो यू नो टॉक टॉक और अब मैं नहीं कहना चाहती सख्त अल्फाज के, एक तरफ बातचीत करने की, दूसरी तरफ यानी कि लगवियात यानी कि लड़ाई झगड़ों की इंतहा है, तो क्या कोई पोस्ट सेनेट इलेक्शंस कोई नई सोच आई है आपके जहन में? अच्छा पहली बात तो मैं उस कमेटी के अंदर नहीं हूँ जो स्पीकर साहब ने बनाई है। नहीं स्पीकर साहब ने नहीं,